दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले यदि आपके पास Redmi Note 10 Pro फोन है और उसकी स्टोरेज भर चुकी है तो आप उसको कैसे खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके लिए क्या करना, आपको जाना अपने फोन के सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाना। नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले ऊपर देख लिया अबाउट फोन में और यहाँ पे स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितनी भरी हुई है कितनी खाली है। फिलहाल तो मेरी खाली है लेकिन मैं आपको दिखा तो दूंगा कैसे आप इसको खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ फ्री अप पे क्लिक करना है और जितना भी आपका यहाँ पे कैश फाइल्स हैं वो आपके यहाँ से डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या करना, आपको जाना बैक और यहाँ पे देखना है आपको अदर्स फाइल। तो अदर्स फाइल यहाँ पे देख सकते हैं 5.21 GB है। तो इसको आप कैसे खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना अपनी गैलरी में और यहाँ पे एल्बम में और यहाँ पे आपको जाना ट्रैश बिन में। सबसे पहले देख लेना है कोई फाइल आपकी डिलीट करने के लिए रहते नहीं गई है। तो यहाँ पे आप देखें 5.21 GB, यदि मैं इसको खत्म कर दूं ये आपके अदर्स फाइल्स में आती है। तो 5.21 GB से कितने हो चुकी, 5.16 GB, यानी कि इसका मतलब हमारी खाली हुई है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप जाएंगे डीप क्लीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे क्लीन पे और जो भी आपको लगते हैं फोटोज वगैरह फालतू है आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ऐप्स का डेटा, यदि आपको लगता है कि हाँ इन ऐप्स का डेटा आपको खत्म करना है तो आप यहाँ से आप खत्म कर सकते हैं। सिंपल इनको सेलेक्ट करके जितने भी करेंगे उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। या आप उनको उनका डेटा भी खत्म कर सकते हैं, जैसे अनइंस्टॉल कर देंगे। तो अनइंस्टॉल करने से आपको क्या फायदा होने वाला है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ गया वो, सेटिंग्स में जाकर हम चेक करें अबाउट फोन में तो यहाँ पे अदर्स जो है और भी ज्यादा खाली हो चुका थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद यहीं पे जाएंगे डीप क्लीन पे और उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि ऐप का डेटा तो नहीं है, कोई फालतू ऐप है तो उनका डेटा भी आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं, जो भी आपको उसी में भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ बिग फाइल्स पे आप देख लेंगे कोई आपके यहाँ पे मूवी वगैरह तो नहीं पड़ी हुई है, ये जो बड़ी फाइल्स है उन्हें आप यहाँ से खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से खत्म कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे कहाँ गया सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में तो अब यहाँ पे आपकी स्टोरेज कुछ ना कुछ खाली हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 GB के करीब बची हुई है। तो इस तरीके से आपको चुन चुन के खत्म करना है। व्यू ऐप डिटेल्स, यदि आपको लग रहा है कि कोई ऐप है जो ज्यादा डाटा खा रहा तो उसका क्लियर डाटा आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नोट से इसका क्लियर डाटा अनइंस्टॉल कर सकते हैं या क्लियर डाटा उनका कर सकते हैं, तो वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारा काम आपका हो गया, ठीक है। अब हो जाने के बाद तो भी आपकी जो स्टोरेज यहाँ पे खाली हो जाने वाली है। तो इस तरीके से आपको जो है स्टोरेज अपने खाली करनी है, ठीक है। और कोई दिक्कत है और एक बात बताऊं मैं आपको, यदि फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे एंड्रॉइड का फोल्डर होता है ना, ये एंड्रॉइड का फोल्डर जो है यदि आपकी इसमें जरूरत की चीजें हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप इसको एंड्रॉइड का फोल्डर डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो बहुत सारे स्टोरेज को अपनी खाली कर पाएंगे Redmi Note 10 Pro में। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए गाइस बाय।